अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू की मक्कुनी। में सत्तू का पराठा जैसा ही एक होता है उसको सत्तू की मक्कुनी कहते हैं, तो वही बनाने जा रही हूँ। और टमाटर की चटनी, टमाटर की चटनी सत्तू की मक्कुनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक टमाटर को 4-5 टमाटर ली, उसको कट कर ली। इसके बाद मैंने एक पैन ली, उसमें 2 चम्मच के हिसाब से ऑयल डाल दी हूँ और टमाटर को 2 हिस्सों में कट कर ली थी। तो मैंने फिर मेरा तेल गर्म हो गया तो मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दी। इसके बाद लहसुन ली, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली, उसको भी मैंने डाल दी। इसके बाद 2 हरी मिर्ची ली, उसको मैंने थोड़ा सा बीच में से कट कर लिया और उसको भी मैंने दोनों ऐड कर दी। इसके बाद ऊपर से स्वाद के अनुसार नमक डाल दी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। इसके बाद ढक के मैंने पकने के लिए, तब तक मैंने बोली आटा का डो तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 1/2 किलो के हिसाब से ली और इसमें अजवाइन को मैश करके और फिर कलंजी डाल दी 1/2 चम्मच के हिसाब से। फिर नमक डाल दी मैंने स्वाद अनुसार। घी लिए और घी का 1 चम्मच डाल दी, इससे ना बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है, मतलब सॉफ्ट और क्रिस्पी बनता है, और दूध डालने से और क्रिस्पी हो जाता है। तो 1.4 कप मैंने दूध ले ली हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डाल के, और मैंने उसको अच्छे से गूंदना स्टार्ट कर दी। आप है ना थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंदिएगा ताकि है ना डो एकदम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी करके ही गूंदेंगे। और इसको हमको ज़्यादा सख्त भी नहीं लेकिन थोड़ा सख्त ही गूंदना है। तो मेरा गूंद के हो गया, मैंने उसमें तेल डाली और 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट होने के लिए दे दी हूँ। तो डो को आप थोड़ा सख्त ही गूंदिएगा। पराठा जब भी किसी का भी पराठा बनाना हो ना तो हम लोग डो को थोड़ा सख्त गूंदेंगे ताकि है ना जब हम लोग उसको बेलेंगे ना तो बहुत अच्छे से वो बेलकर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे प्याज 1 ले ली हूँ और धनिया ले ली हूँ। प्याज लेने के बाद मैं उसको थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़े में कट कर लेती हूँ क्योंकि इसको मैं चॉपर से चॉप कर लूँगी, और धनियों के भी बड़े बड़े में काट लेती हूँ क्योंकि चॉपर में ना बहुत अच्छे से चॉप होता है। तो मैं सोची मैं उसी में चॉप कर लेती हूँ। तो मैंने फिर एक चॉपर लिया और उसमें मैंने प्याज और धनिया दोनों साथ में मिली, अलग अलग क्या काटना है, दोनों को साथ में ही डालना है तो दोनों को साथ में ही काट लेती हूँ। तो मैंने फटाफट ली और दोनों को साथ में ही चॉप कर ली। 2-3 बार ही घुमाने से बहुत इजी है ना, फटा चुटकियों में चॉप हो जाता। देखिए कितना अच्छे से एकदम छोटा छोटा चॉप हो गया है, तो इधर चॉप हो गया। इसके बाद मैंने अदरक, अदरक तो बहुत छोटा था तो उसमें नहीं होता, अदरक और मिर्ची दोनों को हाथों से ही मैंने कट कर ली। इसको बारीक बारीक कट करना है और मिर्ची को भी मैंने फटाफट कट कर लिए। जब सत्तू का फिलिंग बनाएंगे ना उसमें ये ऐड करने का रहेगा। वैसे मिर्ची हम लोग बहुत कम खाते हैं लेकिन मेरे बच्चे सत्तू के पराठे नहीं खाते, तो फिर मैं बोली चलो ठीक है। फिर मैं तो इधर देखिए मेरा एकदम टमाटर पक चुका था, तो मैं देखी तो टमाटर पक चुका था, तो फिर मैंने उसके छिलके, सबसे पहले आप उसके छिलके निकाल लीजिए, देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है। और फिर मेरा देखिए मिर्ची भी गल चुका है और फिर लहसुन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो फटाफट मैंने टमाटर को निकाल ली और जो लहसुन था और ये मिर्ची गल चुके थे उसको भी उसमें बाउल में, एक बड़े से बाउल में मैंने ऐड कर दी। अब इसको हम लोग मैशर से मैश कर लेंगे। आप मिक्सर में पीस सकते हैं लेकिन मैशर या हाथ से ही कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने जो कांदा और धनिया चॉप करी थी 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप टेस्ट कर लीजिएगा और इसमें कुछ भी मत कीजिएगा, टमाटर बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे एक बार ज़रूर बनाइएगा टमाटर की चटनी। टेस्ट करिए नमक बराबर था। इसके बाद देखिए मेरा टमाटर की चटनी तैयार है। तो फिर चलिए सत्तू की फिलिंग कर लेते हैं। मैं इसमें से 1 कप और थोड़ा सा लूँगी सत्तू फिलिंग के लिए। ये मेरी मामी लेकर आई थी गांव से, तो मैं इसको रखी हूँ फ्रिज में, कुछ भी नहीं होता है और अभी तक है। फिर मैं 2 चम्मच अब धनिया और कांदे का चॉप किया हुआ डाल दूँगी। इसमें अजवाइन 1/2 चम्मच, कलंजी 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, आम का अचार का मसाला और 2 या 3 चम्मच सुबह अचार का तेल ले लेंगे। एकदम अच्छे से गूंद लेंगे, ऐसे ही दिखेगा।
अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। और ये खुला खुला तेल से, इसमें पानी वानी मत ऐड कर लीजिएगा। तो फिलहाल देखते हैं, ये देखिए मेरा 10 मिनट हो चुका है और ये एकदम नन और कितना अच्छे से एकदम नरम हो गया है। ज़्यादा नरम नहीं है लेकिन मतलब एकदम सॉफ्ट दिख रहा है। बहुत अच्छे से मेरा 10 मिनट के बाद एकदम डो तैयार हो गया था। ये देखिए मैं इसको प्रेस कर रही थी तो हाथ जा रहा था, तो मैं एक एक लोया लेती हूँ और फटाफट रोटी बना लेते हैं। मैंने गैस ऑन करी है और तवा उसके ऊपर रख ली। इसके बाद चलिए फिलिंग करते हैं। तो एक लोहे को गोल गोल करने का, फिर हाथों से प्रेस करने का, खट्टा बनाने का। और फिर मैंने 2 चम्मच भर के ले ली हूँ। आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आई नो मैं अभी नई हूँ, तो इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे बहुत अच्छे से सीख जाऊँगी, अच्छे से वीडियो डाल। लेकिन आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप सब कम से कम 1 सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। कोई भी एक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फिर ये देखिए मैंने फिलिंग कर ली हूँ, और इस तरह करने से ना बहुत अच्छे से होता है। फिर मैंने गोल गोल कर, और मैंने इसको हाथों से ऐसे दबा दी। मैंने हल्का सा खुश्की ली और बेलना स्टार्ट कर दी। हल्के हाथों से बेलेंगे और फिर खुश्की से। बेलने में बहुत ईजी होता है क्योंकि ये थोड़ा कड़क होता है ना, तो बहुत अच्छे से बेला जाता है। वही अगर नरम हो जाता है ना तो बेलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। फाइनली बेल के हो चुका था ना, ज़्यादा मोटा रखी थी और ना ज़्यादा पतला रखी थी। बस उतना आप भी करिएगा। मैंने फिर अलट पलट कर अच्छे से सेक ली हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया। मैं इसके ऊपर घी डालूँगी और फिर बहुत इसमें घी डाल के मैं ऐसे ही खाती हूँ। मैं गैस में सेकती नहीं, मुझे पराठे घी में ही चाहिए, घी या तेल में ही तो ही मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसको तेल में पक दूँगी। एक्चुअली जो सत्तू का मकुनी होता है ना, उसको तवे में आधा पकाएंगे और आधा हम लोग गैस के चूल्हे में पकाते हैं। तो फिर मैं उसको वैसा भी पकाई हूँ, एंडिंग में देखिएगा वो भी मैं रखती हूँ कि कैसे पकाते हैं। लेकिन मैं अपने लिए मतलब तवे में पका रही हूँ। और नौशाद को गैस वाला पसंद है, तो मैं उनके लिए मतलब गैस में ये कर दूँगी। ये दूसरा रोटी भी, और मेरी बेटी को भी वैसे ही पसंद है। वो मिर्ची निकाल निकाल के खाएगी, लेकिन खाएगी, बोली मम्मा मैं खाऊंगी। मैं बोली अच्छी बात है बेटा, खा लेना। तो फिर ये दूसरी रोटी भी मैंने सेक ली हूँ, बेल के मैंने तवे में डाल दी हूँ और सेक दी। उसको भी मैंने घी डाल दी। इसको भी दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। बिल्कुल इसको मीडियम आंच में ही हम लोग को पकाना है। फास्ट में रहेगा ऐसा ना कि ऊपर का तो पक जाएगा लेकिन नीचे का थोड़ा कच्चा रहेगा, क्योंकि ये मोटा रहता है ना। तो मीडियम आंच में पकाइए, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। फिर मैंने तीसरी रोटी ले ली, देखिए बिल्कुल ऐसे ही गैस में रख देंगे और एकदम मस्त फूक जाएगा। दोनों साइड से अलट पलट करके दोनों साइड से ही गैस में पका लेना। थोड़ा खड़े करके पकाएंगे और दोनों साइड से थोड़ा क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। खड़ा करके भी 2 मिनट पकाएंगे। इसके बाद मेरा ये देखिए तैयार हो गया है। अब इसको ऊपर से घी लगाना है, तो मैंने आधा चम्मच घी ली और ऊपर से ऐड कर दी हूँ। रोटी बहुत अच्छी लगी खाने में जब टेस्ट किया, तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि वाह टमाटर की चटनी के साथ आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो फिर 1 सब्सक्राइब तो बनता है और फिर सपोर्ट भी बनता है। फिर मेरा ये टमाटर की चटनी मैंने डाल दी हूँ। तो फिर
मेरी मीन्स अच्छा लगेगा तो फिर नेक्स्ट रेसिपी लेकर मिलूँगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फीलिंग हुआ है, पूरा चारों तरफ फैल के हुआ, एकदम गरम गरम था, तोड़ रही थी तो मुझे चटका लग रहा था। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिले, अल्लाह।